नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पीसीबीएल लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिला था। गिरावट के पीछे का रीजन क्या था, क्यों यह कंपनी इतनी बुरी तरीके से गिरा, क्या यह कंपनी और ज़्यादा गिरने वाला है या फिर कंपनी सपोर्ट लेकर अगेन बाउंस बैक करेगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी क्लोज हुआ था 125.30 रुपये का, और इस कंपनी में 4.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिला था। वहीं अगर इस कंपनी के प्रीवियस क्लोज यानी कि आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन के एक दिन पहले की बात करें तो यह कंपनी क्लोज हुआ था 131.35 रुपये पे। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। अगर इस कंपनी के हम बात करें 52 वीक हाई की, तो 135 रुपये का डिटेल आपको देखने को मिलेगा, जो कि 11 अप्रैल 2022 को इस कंपनी ने बनाया है। अगर इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 89 रुपीज़ का आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 24 फरवरी 2022 को इस कंपनी ने बना रखा था। अगर इस कंपनी के और डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 51% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी कि जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें से 50% से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देखते हैं आखिर लोग इस कंपनी को इतना ज़्यादा मात्रा में क्यों बाई कर रहे हैं। दोस्तों अगर कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो 19 तारीख को इस कंपनी का रिजल्ट भी आना है, और रिजल्ट जैसा आता है उसके बाद डिसाइड करेगा कि यह कंपनी ऊपर जाने वाला है या फिर यह कंपनी यहां से नीचे जाने वाला है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी की क्या दिशा हो सकती है वो आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप चाहें तो इस कंपनी में अपनी पोजिशन बनाइए या फिर उसके बाद आप चाहें तो इस कंपनी से निकल जाइए। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को बाई कर रखा है उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल को। दोस्तों अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो और इस कंपनी के स्ट्रांग सपोर्ट लेवल की बात करें तो 108 रुपये के पास का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह कंपनी अब गिरना स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा गिरावट और अभी आपको देखने को मिल सकता है। यह कंपनी आप देखेंगे ऑलरेडी अपने सपोर्ट लेवल के जस्ट पास में है, और यहाँ से अगर यह कंपनी फिसलता है तो 108 रुपये के पास जाकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और तब तक इस कंपनी का रिजल्ट भी आ जाना है, और उसके बाद इस कंपनी का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि यह कंपनी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। जो लोग भी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, अगर उनका पर्पस लॉन्ग टर्म है तो वो चाहे तो पहला इंस्टॉलमेंट लगाकर इस कंपनी को बाई कर सकते हैं। अगर उनका पर्पस शॉर्ट टर्म है तो मेरे ख्याल से रिजल्ट तक का आपको वेट करना चाहिए, जैसा रिजल्ट आता है उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाई करना है या फिर आपको और होल्ड करना चाहिए इस कंपनी के और नीचे जाने का। तो दोस्तों ये क्लियर कट आप चाहे तो यूज करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस कंपनी के अंदर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।